नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना की जाती है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर भगवान विष्णु का मत्स्य रूप धारण हुआ था। इससे अन्य मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव के त्रिपुरासुर के नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन त्रिपुरासुर के राक्षस का वध होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह इस वर्ष 30 नवंबर सोमवार के दिन मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करना बहुत ही बड़ा शुभ फल माना जाता है। इससे संपत्ति बढ़ती है और भेड़ का दान करना ग्रह योग की को कष्ट से दूर करना होता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करते हैं तो उन्हें शिव पद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को इस दिन हवन जरूर करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व मैं बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करना 10 यज्ञों के समान पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में इसे महापुनीत पर्व कहा जाता है। कार्तिक नक्षत्र पर जाने पर इसे महाकार्तिकी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा अगर भरणी और रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन यह शुभ मुहूर्त मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है 30 नवंबर। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त है 29 नवंबर को रात्रि से स्टार्ट हो जाएगी। तो 29 नवंबर 12:49 पर प्रारंभ होती है और समाप्त होने की तारीख है 30 नवंबर दोपहर 3 बजे तक। तो इस तिथि में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। दीपदान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को पूजा पाठ से जुड़ी सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा सब्सक्राइब करते टाइम। चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।